नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक से, और साथ ही नरेंद्र तनेजा है जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। आप सभी के पास आते हैं, उससे पहले देख लेते हैं आज की टॉप 10 खबरें कहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आज यहां पर एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। गोल्ड 55,900 के आसपास है, हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन चांदी पर दबाव है, 69,000 के आसपास चांदी है। क्रूड दो दिनों में 9.5% तक टूटने के बाद रिकवरी की कोशिश हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में 1% तक की तेजी है। नेचुरल गैस लगातार कमजोरी का रुख है। यूरोपियन गैस में तो जबरदस्त बिकवाली यहाँ पर दिख रही है। अक्टूबर 2021 के बाद सबसे निचले स्तरों पर भाव चले गए हैं। कॉपर पर भी दबाव है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंता जहाँ पर कमजोरी का रुख है 1050 के नीचे, हल्दी भी यहाँ पर कमजोर है 7,900 के आसपास। जीरे में हालांकि रिकवरी की तेजी की वापस से बाउंस बैक की कोशिश हो रही है, 34,000 के ऊपर बरकरार है। धनिया सुस्त कारोबार है, अप्रैल का वायदा 8,500 के आसपास है। कैस्टर 0.5% की गिरावट 7,200 रुपए के नीचे। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी बने हुए हैं। तनेजा जी, क्या हो रहा है कच्चे तेल में इतनी गिरावट, 9.5% गिर गए दाम, क्या लग रहा है यहाँ से और गिरावट है कि वापस से बाउंस बैक करेगा कच्चा तेल? अब थोड़ी गिरावट और हो सकती है, और उसका मुख्य कारण यह है कि चाइना से जिस तरह की खबरें निकल रही हैं, चाइना में बाजार इस नतीजे को पहुंचा है कि फिलहाल डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसीलिए चाइना ने जो अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी काफी थी, उनके पास तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट था, पेट्रोल डीजल टर्बाइन फ्यूल, उनका निर्यात पे ज्यादा जोर दे रहा है। तो कुल मिला के ये है कि भाई जिस तरह की IMF से भी खबरें आई थी, यूरोप अमेरिका और चीन ये मंदी की तरफ जा रहे हैं, और इनके लिए आने वाले महीने जो है वो थोड़े मुश्किल के होने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है कि जो पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है या टर्बाइन फ्यूल की डिमांड है उसमें कमी आएगी, मतलब डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा। इसको लेके मार्केट रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि ये वास्तव में रिसेशन जो मंदी है वो कितनी होती है और चाइना कितनी जल्दी रिकवर कर जाता है। जब तक ये थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी नहीं आती है तो बाजार के अंदर जो तनाव है, एंग्जाइटी है, वो बरकरार रहने वाली और कीमतें इधर उधर जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे मुझे ऐसा नजर नहीं आता है। लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर जो है थोड़ा और ज्यादा नीचे चली जाए, लेकिन जो कुल मिला के एवरेज आने वाला आने वाले 4-5 महीने वो $80 से लेकर के और 100 या $102 के बीच का एवरेज ये बैंड चलेगा। हो सकता है बीच में 75 भी हो जाए, हो सकता है 72 भी हो जाए, लेकिन जो एवरेज निकल के आएगा आने वाले चंद महीनों का वो यही आना चाहिए। ओके, यानी जो एवरेज 80 से 100 के बीच में रहेगा, लेकिन एक माइनर डिप वहां से भी दिख सकता है, 75-72 तक भी दिख जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज 80 से 100 के बीच में कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव अगले कुछ महीने तक देखने को मिलेगा। सर, नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, जिस तरह की गिरावट यहाँ पर दिख रही है, क्या वजह है? क्या स्टोरेज उनके पास पर्याप्त है? जो 5 साल के औसत है उस औसत से के मुकाबले, या उनकी तैयारी इतनी ज्यादा थी, या अल्टरनेटिव एनर्जी विंड एनर्जी पर फोकस बढ़ा है फ्रांस और जर्मनी में, इसका असर दिख रहा है? क्या वजह नेचुरल गैस में इतनी गिरावट दिख रही है? क्या यहाँ से और गिरावट की आशंका लग रही है क्या नेचुरल गैस में? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए कि यूरोप में ये माना जा रहा था कि जनवरी के महीने में गैस की कीमतें आसमान को छुएंगी, है ना, वो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब हालत यह है कि वहाँ गैस की कीमत कम ही है जनवरी फरवरी की, लेकिन जो खरीदारी हो रही है मई और जून के लिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है, एक तो जितनी जाड़े की उम्मीद थी उतना सर्दी नहीं पड़ रही है, ना, दूसरी बात यह है कि जो जितनी गैस की वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई, उन्होंने काफी उसका आयात किया और स्टोरेज भी काफी कर लिया है। तो फिलहाल बाजार को ऐसा लग रहा है जितनी गैस की जरूरत है, चाहे वो घरों को गर्म करना हो या उद्योग के लिए चाहिए, वो फिलहाल अभी उपलब्ध है, लेकिन शायद आगे आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, इसलिए गैस की कीमतें मई जून में ज्यादा चल रही है। देखिए, गैस जो है वो ग्लोबल मार्केट नहीं है, काफी हद तक रीजनल है, हालांकि सप्लाई जरूर ग्लोबल होती है और उस प्रभाव पड़ता है जहां भी जो कीमत होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का यूरोप ने अपना गैस का सिस्टम बनाया, शायद वो सस्टेन कर जाए, लेकिन अभी ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी जाके अप्रैल या मई में, जब जाड़े का पीरियड खत्म हो जाएगा और तब ये पता लगेगा कि जो गैस की कीमतें कहाँ जाके टिकती हैं, कितना यूरोप और खरीदता है, कितने फ्लोटिंग LNG टर्मिनल्स और लेकर के आता है, और जिस अभी तो जिस दाम पर उनको LNG मिली है उन्होंने खरीद ली है,
दुगने तिगने दाम पे खरीदी है, जिसमें भारत खरीदता है उसे तिगने दाम पे भी खरीद ली। क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो पास ऑन हो रही है कंज्यूमर को, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये सारा अर्थशास्त्र जो है ये अप्रैल के एंड तक ही पता लगेगा। अभी तो उन्हें धुआंधार खरीदा जिस दाम पर भी मिला, लेकिन अब उनके लिए परेशानी यह है कि अब उसके अर्थशास्त्र पर काम करना पड़ेगा। जो कीमतें जैसे गिर गई हैं तो देखना होगा जो खरीदारी करी गई थी क्या उस पर उनको घाटा हुआ या उनको फायदा हुआ। तो ये सब अर्थशास्त्र जो निकल के आएगा अप्रैल तक, उसके बाद बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आएगी। शुक्रिया तनेजा जी, आपने वक्त निकाला कच्चे तेल को लेकर और नेचुरल गैस के मार्केट को लेकर पूरी एनालिसिस बताया कि मार्केट की स्थिति क्या बन रही है और किस तरह का मार्केट का रुख, ब्रॉडर आउटलुक आपने पूरा समझा दिया। चलिए, लेकिन ट्रेडर्स के लिए क्या करना चाहिए, कुणाल जी और मनोज जी दोनों बने हुए। कुणाल जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल पर, सबसे पहले आपका आउटलुक क्या है कच्चे तेल में और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? इंट्राडे के लिए ऐसे बाउंस बैक लग रहा है, 6140 पे बाई कीजिए, 6180 6200 तक के लेवल दिख सकते हैं, बट लंबी तेजी के कोई आसार अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ये मार्केट ऐसी हो गई है, जब बढ़ता है ऑयल तब न्यूज आते हैं कि चाइना ओपन अप हो रहा है उसके कारण बढ़ रहा है, और जब नीचे आता है तब कहते हैं चाइना में कोरोना के केस बढ़ गए हैं। सो इट इज़ वेरी डाइसी, बट द फैक्ट इज ग्लोबली ग्रोथ स्लो हो रहा है, तो कच्चे तेल में कोई लंबी तेजी, सस्टेनेबल तेजी नहीं आनी चाहिए। सो 7 मैक्सिमम 6250 तक आ सकता है, उसके ऊपर अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। बाजार के मार्केट जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो हर अपने हिसाब से खबरें बना लेते हैं, और वही जैसा आप कह रहे हैं। चलिए, कच्चे तेल में मनोज जी आपका व्यू क्या बन रहा है, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, मौजूदा स्तरों पर क्या करें? नमस्कार युष्मान जी, मैं भी कुणाल से यहाँ पे इत्तेफाक रखता हूँ। बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि काफी बड़ी गिरावट जो है पिछले दो सेशन में देखने को मिली है, तो टेक्निकली एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है। तो आज स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं 6120 6100 के दायरे में, 6040 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 6220 तक जो है यहाँ पे कीमतें जा सकती है। तो ये स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए कॉल रहेगी, क्योंकि आज शाम में यूएस EIA की इन्वेंट्री भी आएगी, तो उस समय फिर एक बार वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती। कुणाल जी, नेचुरल गैस यूरोप में तो जबरदस्त गिर गए हैं, 50% से ज्यादा की गिरावट महीने भर में आ चुकी है, क्या हो रहा है, कितनी गिरावट की संभावना आपको लग रही है? अगर पोजिशनल कोई ट्रेडर है तो उनके लिए क्या रेंज आप MCX पर देख रहे हैं? नेचुरल गैस मेरी राय में 338 के आसपास बाई कर सकते हैं, 348 का टारगेट, 350 का टारगेट, और 335 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करना चाहिए। बहुत दिनों से गिर रहा है, ओवरसोल्ड है, सो बाउंस आना चाहिए, तेजी नहीं है, इजी नहीं है, लेकिन आप बाउंस बैक के लिए, एक हल्की रिकवरी के लिए यहाँ पर, एक रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर, जिस तरह का सेल ऑफ था उसके बाद हल्के रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। इसलिए छोटे से स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, वो है 335 रुपए का, वो स्टॉप लॉस के साथ 350 तक के लिए आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी कमजोर है। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, लेकिन बिल्कुल काउंटर यहाँ पर टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड जोन में है, और जो हाईज बने थे वहां से हम 60% की जो गिरावट है इंटरनेशनल मार्केट में देख चुके हैं, और भारतीय बाजारों में भी 800 से जो है मार्केट यहाँ 330 तक की जो है गिरावट दिखा चुका है, तो एक काफी बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिली है। तो टेक्निकली एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट कीमतों में देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि जो दायरा है वो 326 से 355 का अगले एक से दो सेशन के लिए नेचुरल गैस में बना रह सकता है। चलिए, अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। फेड मिनट्स का काफ़ी इंतज़ार था, हालांकि कुछ ऐसा हुआ नहीं। फेड ने साफ कर दिया है कि 2023 में वो ब्याज दरें घटाने वाले नहीं हैं, और महंगाई का जो उनका टारगेट है 2% का, वहां तक आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। ऐसे में दरें घटने की तो संभावना नहीं है, अभी धीरे धीरे, हालांकि रफ्तार कम होगी बढ़ोतरी की, लेकिन ब्याज दरें में आगे भी बढ़ोतरी होगी। अगली जो बैठक है वो 31 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक है, दो दिनों की बैठक, जो 1 फरवरी को फेड का फैसला आएगा। क्या लग रहा है कुणाल जी, तेजी तेजी कह रहे हैं, लेकिन करेंसी का भी अपने लोकल मार्केट में यहाँ पे काफ़ी प्ले है, जिस तरह से रुपया कमजोर हुआ है वो भी भाव में यहाँ पे दिख रहा है घरेलू बाजार में, क्या लग रहा है गोल्ड किस तरफ जा सकता है? गोल्ड में डैम डायरेक्शनल व्यू तेजी का ही है, ऑलरेडी हमने एक अच्छी अपसाइड देखी है गोल्ड में, सो 200-300 रुपया, 300-400 रुपया करेक्शन आ सकता है,
बट अभी भी तेजी है ध्यान, 56,500 400 के लेवल्स दिख सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से आज के दिन 55,700 में बाई करके 56,100 में बेचना चाहिए, ऊपर जाएगा ऐसा व्यू है हमारा आज के लिए भी और इवन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। सो गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग अवॉइड करके बाई डिप्स की रणनीति अपनाइए, इवन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम करें, स्टॉप लॉस जरूर लगा लें ताकि अगर मार्केट कभी इधर उधर मूव करे तो आपको दिक्कत ना हो, फंसे हुए महसूस ना करे, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे। मनोज जी आपकी राय क्या है सोने पर? सोने में ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, लेकिन हमने एक अच्छी रैली देखी और टेक्निकली देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में 1870-1875 डॉलर जो है वो एक यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है। एमसीएक्स के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि 56,000 से 56,200 का जो रेंज है वहां पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो एक यहाँ पे माइनर करेक्शन जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है एक दो दिन में। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग की सलाह रहेगी, अगर 55,950 के स्तर मिलते हैं तो 56,100 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दें। नीचे में 54,650 से 54,600 के जो लक्ष्य है वो 55,650 से 55,600 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे एक करेक्शन की गुंजाइश है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो जो भी सेल का ट्रेड ले उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। यानी आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको या तो ऊपर में बेचना है और डिप पे बाई करने की सलाह कुणाल जी की तरफ से है, और एक रेंज जो अभी बन रहा है, एक रेंज में जो घूम रहा है उस रेंज के ऊपरी लेवल के आसपास 56,000 के आसपास आपको बेचने की सलाह मनोज जी दे रहे हैं। लेकिन छोटे से टारगेट के लिए स्टॉप लॉस भी आपके पास है 56,100 का, वो भी जरूर मेंटेन कीजिएगा। चांदी की बात कर लेते हैं कुणाल जी, चांदी की तेजी टिक नहीं पा रही है। कल भी हमने देखा ऊपरी स्तरों पर 70,700 के ऊपर चला गया था, वापस से फिर 600 से ज्यादा पॉइंट्स गिर के बंद हुआ था, आज भी उतार चढ़ाव जारी है, एक दायरे में ही हो रहा है, क्या हो रहा है चांदी में, क्या सलाह है सर? तेजी है चांदी में, थोड़ा बहुत नीचे आता है, सबको क्या लग रहा है गोल्ड सिल्वर में बहुत बड़ा है तो नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता है। फंडामेंटल कोई चीज का अगर तेजी का है तो प्राइजेस और बढ़ सकते हैं। तो मुझे 69,200 में सिल्वर बाई लग रहा है, 70,000 का टारगेट या इवनिंग सेशन तक, और 68,780 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सो तेजी है ओवरऑल गोल्ड सिल्वर में, कोई मंदी वंदी का ध्यान नहीं है। सहमत है मनोज जी आप? हाँ, चांदी में यहाँ पे लो लेवल्स पर फिर एक बार अच्छे सपोर्ट्स बनते हुए दिख सकते हैं। 68,700 से 69,000 का जो दायरा है वहां पे एक अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। 71,000 से हमने करेक्शन यहाँ पे कीमतों में आते हुए देखा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 68,700 के जो स्तर है वो काफी दिन से चांदी होल्ड कर रही है, तो कहीं भी डीप आता है अगर 68,750 से 68,800 के आसपास तो वो एक अच्छी जो है रेंज होगी बाइंग के लिहाज से। 68,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रख लें, फिर से एक बार 70,400 तक के जो लेवल्स है वो एक से दो सेशन में देखने को मिल सकते हैं। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अब धीरे धीरे रिकवरी दिख रही है, शुरुआती कारोबार में कमजोरी दिख रही थी, सभी बेस मेटल्स लाल निशान में थे, लेकिन अब देखिए जिंक 0.5% ऊपर आ गया है 270 के आसपास, कॉपर 712 रुपए के ऊपर 0.5% की तेजी, एल्यूमिनियम में भी तेजी है 203 रुपए के आसपास, लेड सपाट है, मामूली कमजोरी यहाँ पर दिख रही है 188 रुपए पे। कुणाल जी क्या पसंद आ रहा है आज इंट्राडे के लिए, अगर किसी को ट्रेडिंग रणनीति बतानी होगी तो आप किस काउंटर को पसंद करेंगे? यहाँ 710 में कॉपर बाई कीजिए, 707 का स्टॉप लॉस रखिए और 715-16 के बीच में प्रॉफिट बुक कर दीजिए। 715-16 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक करें, 710 रुपए जो करंट लेवल है उससे 2 रुपए का डिप मिले वहां पे खरीदे, 707 का यहां पर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। मनोज जी आपकी टॉपिक क्या है, क्या पसंद कर रहे हैं बेस मेटल्स में? यहां पर लेड में 189 के स्तर पर सेल कर सकते हैं आज इंट्राडे के लिए 191 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य जो लगा के चलना है वो 185 का रखना है। हम देख रहे हैं कि 191 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेड के लिए बना हुआ है और ऊपरी लेवल से यहाँ बार बार जो है बिकवाली देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा अगर अपसाइड मिले 189 तक तो आज इंट्राडे में यहाँ सेल की कॉल जो है ले सकते हैं 185 के लक्ष्य के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की, क्योंकि करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपया हल्की मजबूती आज दिखा रहा है, 82.69 रुपए के लेवल पर है। क्या लग रहा है सर, ट्रेंड तो काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में इतनी वीकनेस आ गई, डॉलर में इतनी कमजोरी आ चुकी है, लेकिन रुपया उस तरह की मजबूती नहीं दिखा रहा है, अभी भी 83 के आसपास ही घूम रहा है। कुणाल जी क्या व्यू है आपका करेंसी मार्केट पर? रेंज बाउंड मूवमेंट है करेंसी में,
83.10 ऑन द अपसाइड और 82.60 ऑन द डाउनसाइड, बट मेरा बायस ऐसा है कि ऊपर ऊपरी स्तरों से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, सो 82.85-82.90 के बीच में मैं बेचने के लिए रिकमेंड करूंगा, जो भी अराउंड 78 चल रहा है, और नीचे मैं 82.65 के आसपास में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मनोज जी आप क्या मानते हैं, आपको क्या लग रहा है करेंसी मार्केट में, क्या ब्रॉडर मार्केट क्या कमजोर हो गया है करेंसी मार्केट का, रुपए में और कमजोरी दिख रही है, क्योंकि सारे फैक्टर सपोर्टिव होने के बाद भी रुपए में रिकवरी नहीं आ रही है। एक तो क्रूड में इतनी गिरावट आ चुकी है, सरकार का भी फोकस है, FIIs इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, इक्विटी मार्केट में भी तेजी आ गई, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो पा रहा है, डॉलर में इतनी कमजोरी है, क्या वजह है सर रुपए में इतनी कमजोरी की? नहीं, रुपए में कमजोरी के पीछे हमने दो तीन कारण है। एक तो यहाँ पे FIIs का जो हेडिंग है वो पिछले दिनों में लगातार देखने को मिला था, दूसरा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ के आया था, तो उसके चलते यहाँ पे जो है कीमतों में फिर एक बार प्रेशर बनते हुए दिखा था। दूसरा जो गवर्नमेंट का जो फ्री ये राशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीम गवर्नमेंट ने एक साल के लिए बढ़ाया है, तो वो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट पे इम्पेक्ट कर सकता है, उसके चलते भी रूपी में थोड़ा जो है प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन एक दायरे का ट्रेड है, जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है तो वो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, तो एक दायरा बना रह सकता है 82.50 से 83.10 का। यहाँ पे अगर कहीं भी 82.90 के आसपास अगर जनवरी फ्यूचर मिलता है तो सेल कर सकते हैं 83.10 के स्टॉप लॉस से, नीचे में 82.55 के लेवल्स मिले तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर ले। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले जीरे की बात कर लेते हैं। कुणाल जी, स्पाइसेस आप ट्रैक कर रहे हैं आजकल की नहीं? जी टेक्निकल थोड़ा देख रहा हूँ, टेक्निकल लेवल आपको बता सकता हूँ, बाकी ओवरऑल मेरा डीप नहीं है। ओके सर, जीरे पर सिर्फ आपका व्यू चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की तेजी वन वे रैली यहाँ पर दिखी है, महीने भर में 40% तक दाम बढ़ने के बाद भी उस तरह की गिरावट यहाँ पर नहीं दिख रही है, लग रहा था कि कहीं इतने सारे अपर सर्किट के बाद हो सकता है लोअर सर्किट भी दिखे, लेकिन जीरा लगातार हर हल्की गिरावट में बाइंग आ रही है, टेक्निकली कैसा लग रहा है जीरा वायदा आपको? एक तो जीरे में ये सब क्रॉप फसल कम है, इसके कारण जीरे में तेजी आ रही है, सो मेरी राय में ऑलरेडी शॉर्टेज का कम्योडिटी में कोई प्रभाव नहीं होता है, सो जब जब अभी जैसे जैसे अराइवल बढ़ेगी आने वाले दिनों में, तब थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, तब तक बहुत ज़्यादा मंदी नहीं हो पाएगी। मौजूदा स्तरों से मेरी राय में 34,500 तक के स्तर आपको प्रॉफिट टेकिंग तक आते हुए देखने मिल सकते हैं। मनोज जी आपका व्यू जीरे को लेकर क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए स्पाइसेस में आज? मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल्स जो है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है विश्वमोहन जी, और मेरा मानना है कि एक अच्छी रैली हम ऑलरेडी ये कमोडिटी में देख चुके हैं, तो फ्रेश बाइंग जो है यहाँ पे ये स्तरों पर अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजिशन है लॉन्ग की तो ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली करते रहें, फ्रेश बाइंग के लिए ये काउंटर से दूर रहें, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सेल भी नहीं करना है। जैसा कि कुणाल ने बताया कि ये शॉर्टेज का कमोडिटी है तो शॉर्ट सेल से बचे, लेकिन बेहतर यही होगा कि ये कमोडिटी से दूर रहे, लॉन्ग की पोजीशन ऑलरेडी है तो ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली करते रहे। ओके, यानी जब तक अराइवल्स शुरू नहीं हो जाते, नए अराइवल पूरी तरह से, यानी फरवरी मिड तक ये तेजी तो चलती ही रहेगी, यहाँ पे शॉर्ट सेल से बचना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन केक की, क्योंकि यहाँ पर भी अब तेजी लगातार दिख रही है, 3160 के लेवल पे आज है, 1.5% ऊपर NCDX पर आज दिख रहा है। बात करने के लिए सुधीर अग्रवाल जी हमारे साथ, एकोशिया के कोऑर्डिनेटर है ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज के। सर सुधीर जी क्या हो रहा है कॉटन केक में, तो जबरदस्त तेजी दिखने लगी है, क्या हाजिर में क्या हालात है, किस तरह के स्टॉक की स्थिति है? नमस्कार जी, जैसा कि अभी तक करीब 100 दिन हो गए फसल आए हुए, 1 अक्टूबर से फसल आई है, पर जितना भी माल अभी तक करीब 85 लाख गाट का फसल आई है वो सब खपत में गया है, अभी तक स्टॉक में नहीं गया, अभी नई फसल आने में करीब 9 महीने बाकी है, और कुल मिला के जितना माल आ रहा है वो टोटल कंजम्पशन में जा रहा है, और अभी ठंड भी चल रही है, डिमांड काफी बढ़ी हुई है, अभी सप्लाई की बहुत ज्यादा दिक्कत है, डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है, इसके कारण बाजार तेज है। मैं आपके चैनल पे 22 दिसंबर को आया था, उस दिन जनवरी वायदा 2850 रुपए था, मैंने भी कहा था कि आगे भी बाजार तेजी रहेगा, उस दिन के बाद आज 15 दिन में करीब 310 रुपए की तेजी आ गई, मुझे वायदा भी आगे पीछे काफी अच्छा तेज लग रहा है, और मुझे लगता है कि बाजार आगे तेजी रहेगा, क्योंकि सप्लाई इतनी बढ़ नहीं पा रही है, मंडियों में अराइवल हो नहीं रही है, इसी के कारण बाजार तेज है, और जितना माल आ रहा है वो सब खपत में जा रहा है, इंडस्ट्री चल नहीं पा रही है, इसीलिए आगे भी बाजार तेजी रहेगा, आगे तेज रहेगा। सर अभी स्टॉक क्या कम हो गया है क्या हाजिर में?
हाँ जी, मैं जितना जैसे इस समय करीब 1.5 से 2 लाख बेल्स के अराइवल होना चाहिए, जबकि आज की तारीख में 1 लाख के भी अंदर अराइवल है। दो रीजन है, या तो किसानों के पास माल है या फिर कोई भी प्रकार की फसल में फूल है। आज पूरी इंडस्ट्रीज को समझ में नहीं आ रहा कि 100 दिन के करीब होने पे आए कि माल कहाँ गया। अब नई फसल आने में कम से कम 9 महीने है, 9 महीने कैसे काटे हैं, या तो क्रॉप बढ़ फसल आना चाहिए मार्केट में या फिर डिमांड कमजोर होना चाहिए। हो सकता है कि अगर बाजार ज्यादा बढ़ जाए तो डिमांड कमजोर हो जाए तब बाजार टूटे, पर आज की पोजीशन में ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा बाजार में आगे भी सुधार आ सकता है। ओके, मनोज जी क्या लग रहा है, 3160 पे है कॉटन के एक जनवरी का वायदा, यहाँ से और तेजी आपको दिख रही है क्या? मोमेंटम अभी पॉजिटिव है बाविश मोहन जी, हमने पिछले 4 से 5 सप्ताह में लगभग 18% की बढ़त जो NCDX वायदा में देखी है, और यहाँ पे बिल्कुल स्पॉट मार्केट ऊपर है और अभी डिमांड बेहतर है तो उसका सपोर्ट लगातार कमोडिटी को मिल रहा है। टेक्निकली भी अभी इतना ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं है कमोडिटी, तो अभी जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। फेब्रुवरी वायदा में यहाँ 3030 के स्तर पर बाय करके चलना चाहिए 2980 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 3120 तक के लक्ष्य जो है वो लेकर के चल सकते हैं। कॉटन के आप खरीदे 3030 पे 3120 के टारगेट के लिए। शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त निकाला और कॉटन केक के मार्केट के बारे में बताया कि क्या स्थिति है ग्राउंड पर। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वार गम, यहां पर भी आज तेजी दिख रही है। ग्वार गम 12,500 के ऊपर, 5,900 के ऊपर ग्वार सीड। मनोज जी क्या करना चाहिए ग्वार गम और ग्वार सीड में आज की तेजी पर? बहुत ही दायरे का ट्रेड है विश्वमोहन जी, यहाँ पे ग्वार सीड की अगर बात करें तो जो रेंज है वो 5,850 से 6,000 का है, तो दायरे में ट्रेड कर सकते हैं। 5,880 के ऊपर है वहां तक बाय का ट्रेड जो है यहाँ ले सकते हैं, 5,880 के नीचे के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 6,000 के आसपास भाव मिले तो निकल जाएं। वहीं ग्वारगम में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 12,300 से 12,700 का रेंज बना हुआ है, तो ये रेंज में प्ले कर सकते हैं 12,400 के नीचे के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 650-700 के आसपास के लेवल मिले तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट है। ओके, तो ग्वार को लेकर ये भी हो। कैस्टर को लेकर क्या लग रहा है सर, 0.5% नीचे 7,150 पे कैस्टर, क्या करना चाहिए यहाँ पर? कैस्टर सीड में कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, बहुत ही दायरे में ये कमोडिटी पिछले काफी सेशन से ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर जनवरी वायदा की बात करें तो 7,240 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब ये कमोडिटी के लिए बन गया है, तो यहाँ जब तक 7,240 के नीचे है दबाव जो है वो बना रह सकता है, नीचे में 6,960 पर यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेंगे। ओके सर, टर्मरिक और कोरिएंडर इन दोनों काउंटर पर भी हो मनोज जी? कोरिएंडर में भी यहाँ पे लगातार दबाव देखने को मिला था, लेकिन हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर 7,900-7,950 ये लेवल पे एक सपोर्ट जो है बनता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पे 7,950 के स्तर पर जनवरी वायदा में बाय कर सकते हैं 7,850 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 8,150 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। टर्मरिक में यहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो अगर ऊपर में 8,080-8,100 के आसपास के भाव मिले तो अप्रैल वायदा में बिकवाली करके चलें 8,250 के स्टॉप लॉस से, नीचे में 7,800 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। ओके चलिए अब वक्त हो गया ब्रेक लेने का। शुक्रिया मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम कमोडिटीज पे अपनी राय रखी, पूरा आउटलुक भी समझाया, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। लेकिन वीकली